हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में शेयर करूंगी कि आप लोग किस तरीके से पतंजलि एलोवेरा जेल को अपने बालों पर यूज़ कर सकते हैं। तो हम आपको यहां पर कम से कम एक टेबल स्पून के आसपास पतंजलि एलोवेरा जेल लेनी है। गाइस, एलोवेरा जेल में जो विटामिन ई प्रेजेंट होता है, जो आपको आपके बालों को जड़ों से पोषण देता है और उनके बेजान बालों में वापस से जान डालकर उनको शाइनी और स्मूथ बनाने में हेल्प करता है। पर गाइस, हेयर ग्रोथ के लिए सिर्फ पतंजलि एलोवेरा जेल काफ़ी नहीं होता है, तो इसके साथ साथ हम यहाँ पर पैराशूट हेयर ऑयल भी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद गाइस, आपको इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से फेंट लेना है और आपको इस तरीके का पेस्ट नज़र आएगा। आप देख सकते हैं, ये पेस्ट कुछ ऐसा मिल्की वाइट कलर का पेस्ट आपको देखने को मिलेगा। गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा सूदिंग और कूलिंग इफेक्ट देता है आपके बालों को, एक तरीके से डी स्ट्रेस भी करता है। सो गाइस, इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं अपने बालों पर इसको अपने जड़ों पर इसको अप्लाई करूँगा। आपको अपने जड़ों पर अप्लाई करके अच्छे से मसाज करनी होती है अपने बालों पर। गाइस, कोकोनट ऑयल बहुत ही ज़्यादा नरिशिंग और बेनिफिशियल होता है और हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। और एलोवेरा जेल विटामिन ई प्रेजेंट होता है, जो कि आपके बालों को जड़ों से नरिश करता है और उनकी जो क्वालिटी है उनको इम्प्रूव करता है और सिल्की और शाइनी बनाने में हेल्प करता है और रूखे और बेजान बालों को ख़त्म करके उनमें एक नेचुरल शाइन ऐड करने में हेल्प करता है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से अपने बालों की मसाज कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा कूलिंग इफेक्ट देता है। गाइस, आपको रात को सोने से पहले इसको अपने बालों में अप्लाई करना है और काफ़ी अच्छे से आपके जो माथा है उसको ठंडा करने में और डी स्ट्रेस करने में हेल्प करता है। गाइस, तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से अपने बालों पर इसकी मसाज कर रही हूँ। गाइस, आपको बिल्कुल ही तरीके से अपने बालों पर इसकी मसाज करनी है बहुत ही अच्छे से। गाइस, आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से मसाज कर रही हूँ अपने बालों की। सो गाइस, आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं किस तरीके से अपने बालों की मसाज कर रही हूँ। गाइस, आपको रात को सोने से पहले इसको अप्लाई करना होता है और नेक्स्ट डे आप हेयर वॉश कर सकते हैं। और आप चाहें तो उसी दिन 2 घंटे पहले आप इस पेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं एंड 2 घंटे बाद अपने बालों को अच्छी तरीके से शैम्पू से वॉश करेंगे। गाइस, वॉश करने के बाद आपको अपने बालों में एक अलग सी शाइन देखने को मिलेगी। आपकी बालों की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्रूव करता है ये एंड आपके हेयर फॉल को भी रिड्यूस करता है। और गाइस, टाइम के साथ आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है ये उसको भी इम्प्रूव कर रहा है और आपके हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करके आपके बालों की जो रूखा सूखापन है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।